यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश की नजर उत्तराखंड पर टिकी है। प्रदेश सरकार भी यूसीसी को लागू करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। सीएम धामी के एक बयान से एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सीएम ने कहा कि यूसीसी का मसौदा लगभग पूरा हो गया है, संकलन भी कंप्लीट हो गया है, ड्राफ्ट मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूसीसी को लेकर भी एक तैयारी पूरी हो गई है, एक महीना रह गया है यूसीसी के लिए। यूसीसी का लगभग लगभग काम पूरा हो गया है, उनका संकलन भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्द से जल्द जब भी हमको वो प्राप्त हो जाएगा तो हम जो विधि सम्मत जितनी कार्रवाइयां होती हैं, जितने भी उसके प्रावधान हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लागू करने की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी सीएम धामी ने जानकारी दी। सीएम धामी ने कहा कि अब तक 40,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक निवेश के मामले में जितने भी हमने लोगों से संवाद किया है, निवेशक समूह से और उद्योग समूह से, सब मिला के 40,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव लगातार प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हम भी देख रहे हैं कि किन पर करार करना है और कौन राज्य की दृष्टि से ठीक रहेंगे, जिनसे हमारे यहाँ निवेश और उद्योग दोनों ही बढ़ेगा, साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी पर विचार करते हुए हम उन आकलन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश उत्तराखंड के अंदर इस बार आएगा और साथ ही जो हमारा निवेश सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन से पहले एक बड़ी राशि निवेश के रूप में हमको ग्राउंडिंग के रूप में पहले ही हमको प्राप्त हो जाए, उस दिशा में हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। अपने हरिद्वार दौरे के दौरान उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। हरिद्वार से राजकुमार पाल, पंजाब की टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।